तो नमस्कार, स्वागत है वंशकार के एक नए वीडियो में। और सामने आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो भाई एकदम फुली मॉडिफाइड मारुति स्विफ्ट आप देख रहे हैं। तो फ्रंट से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें करी गई है। यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स वगैरह लगाए गए हैं और ये है सामने का प्रोफाइल। अब हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे हमको मिल जाता है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ यहाँ पे टर्न्स इंडिकेटर भी, जो कि हेलोजन में है। नीचे फॉग लैंप दिया गया है और काफ़ी कुछ एसेसरीज यहाँ पे लगाए गए हैं। नीचे भी इसके प्लेट वगैरह दिए गए हैं। फुली आप समझ सकते हैं कि एक जो दिल्ली मार्केट में एसेसरीज वगैरह लगाए जाते हैं आफ्टर मार्केट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। तो ऐसी कुछ दिख जा रही है मारुति स्विफ्ट। साइड से देखें तो साइड से भी ऐसा कुछ है। एलॉय अगर देखें तो वही मारुति वाली एलॉय मिल जा रहा है डायमंड कट। यहाँ पे वो 185/65 R15 का यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है अपोलो का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं लगाया गया है, बाकी आप सस्पेंशन ट्रेवल्स वगैरह देख सकते हैं। साइड से ऐसा कुछ दिख जा रहा है यहाँ पे स्विफ्ट वगैरह के जो पूरा ग्राफिक्स है यहाँ पे 01 का, ये पूरा लगाया गया है। नीचे आप इसका वो देख पा रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी अगर ORBM की बात करें तो ये ब्लैक में ORBM दिख जा रहा है विथ टच इंडिकेटर के साथ में, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और डोर हैंडल्स यहाँ पे जो है बॉडी कलर ही मिल जा रहे हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मारुति की गाड़ियों में मिलते हैं, हालांकि अभी जो नई जिमनी आई उसमें भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पे इसका साइड प्रोफाइल। की इंटीरियर से शुरुआत करें ड्राइवर साइड डोर से, तो यहाँ पे ये जो जो कलर कम्बिनेशन यूज़ किया गया ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। पावर विंडो का कंट्रोल, लॉक अनलॉक, ORBM के कंट्रोल चार्म मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और ये इसका म्यूजिक सिस्टम। तो चलिए अंदर में चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हमको यहाँ पे मिल रही हैं। तो भाई अभी मैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो के अंदर में हूँ और ये आप ओवरऑल इसका डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं। यहाँ पे ये मारुति वाली वही जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वो यहाँ पे मिल जा रही है। इसका जो ये चीज़ें जो कलर कम्बिनेशन है वो नया यहाँ पे करा गया है। ये बगल में भी आप इसको देख पा रहे हैं, ये है इसका ग्लोव बॉक्स, डिसेंट स्पेस है। वही वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया गया है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर मिल जाता है लाइट्स के कंट्रोल और यहाँ पे कुछ टेलीफोनिक कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये बॉटम में ये ऐसे कुछ डिज़ाइन मिल जाती है और ऊपर जो है ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। और ये है यहाँ पे ये चीज़ें मिल जा रही है। तो ओवरऑल जो स्पेस है वो कुछ ऐसा मिल जा रहा है। इसका रियर साइड प्रोफाइल, रियर से देखें तो भाई मारुति स्विफ्ट ऐसा इतना खतरनाक लुक यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऊपर स्पॉइलर दिख रहा है ब्लैक कलर में, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाता है, डीप फॉगर यहाँ पे दिया गया और रियर वाइपर। और यहाँ पे मिल जाए स्विफ्ट की बैजिंग और यहाँ मारुति स्विफ्ट की लोगो। तो भाई यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे यहाँ पे रियर जो है पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। नीचे स्किड प्लेट मिल जाता है। तो बाकी ओवरऑल जो यहाँ पे इसका रियर टेल लैंप देख रहे हैं वो कुछ ऐसे मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो है एसेसरीज्ड हैं, सारी चीज़ें मतलब जो ये मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है ना, इसके लुक्स को काफ़ी स्पोर्टी बना दिया है कुल मिला के। तो ये है साइड, इसका साइड से आप देख सकते हैं ऐसा साइड प्रोफाइल। अगर हम रियर केबिन को देखें तो कुछ ऐसा जो है स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। बाकी रियर जो डोर है वो ऐसा मिल जा रहा है। इसको कर देता हूँ मैं बंद, यहाँ से खुलती है गाड़ी। और बूट स्पेस अगर इसका हम देखें तो ऐसा कुछ, इसका बूट स्पेस काफ़ी डीप, वही मारुति सुजुकी स्विफ्ट, सारी चीज़ें सेम है, बस बाहर से जो मॉडिफिकेशन किया गया है वही है। तो भाई ये मारुति स्विफ्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ऑटो एक्सपोर्ट 2023 की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक लीजिए नमस्कार।